अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा पीजी क्लास का लेक्चर नंबर 63 है। हमारा सब्जेक्ट है उर्दू। हमारी बुक है उर्दू ओरल, यानी उर्दू की पढ़ने वाली बुक। अमली सरगर्मियाँ। इन तस्वीर के नामों का पहला हरफ लिखें। ये देखें, अब ये तस्वीर है। एग्जाम्पल है कि ये क्या है, तालब इलम। तो आपने इस बॉक्स के अंदर तालब इलम यानी कि तोएं लिखना है। तालब इलम किस हरफ से शुरू होता है, तोएं से। तो आपने इधर तोएं लिखना है। नेक्स्ट है ज़ईफ, ज़ईफ। अब ये देखें, ज़ईफ किस से शुरू होता है, ज़ईफ किस से शुरू होता है, ज़ुआत से। तो आपने इधर ज़ुआत लिखना है इस तरह से, यानी कि ज़ईफ का पहला हरफ क्या है, ज़ुआत। फिर है तबला, तबला। त त किसकी साउंड है, तोएं की। तो आपने इधर क्या लिखना है, तोएं। यानी कि तबला किससे शुरू होता है, तोएं से। तबले का पहला हरफ क्या है, तोएं। इसी तरह हम बाकी दोनों भी ऐसे ही आपने करने हैं कि जो जिस हरूफ से ये शुरू होते हैं वो हरूफ इस बॉक्स के अंदर आपने लिखना है, तोते का और ज़रूफ का। नेक्स्ट है, इन अशिया पर दायरा लगाएं जिनके नाम तोएं और ज़ोएं से शुरू होते हैं। अब देखें, यह है ज़रूफ। ज़रूफ ये किस से शुरू होता है, ज़ोएं से। तो इसके ऊपर आपने इस तरह से दायरा लगा देना है। नेक्स्ट है तोता। तोता और ज़ईफ में से जो भी ज़ोएं या तोएं से शुरू होगा सिर्फ उसी के ऊपर आपने दायरा लगाना है। नेक्स्ट है ज़ुआत। तोएं, ज़ोएं में तरतीब वार लाल, पीला और नीला रंग भरें और अगले हरूफ ट्रेस करें। ये देखें, सबसे पहले आप है ज़ुआत यानी कि लाल रंग। आपने लाल रंग भरना है इस तरह से। फिर क्या करना है, पेंसिल के साथ ज़ुआत ट्रेस करना है। यहाँ से स्टार्ट करना है ज़ुआत और ऊपर एक डॉट। इसी तरह तोएं, तोएं नेक्स्ट तोएं हैं तो पीला रंग। ये देखें, ये पीला रंग तोएं में, और फिर तोएं में पेंसिल के साथ आपने ट्रेस करना है। फिर नीला रंग, यानी कि ज़ोएं में नीला रंग आपने करना है और फिर पेंसिल के साथ ज़ोएं ट्रेस करना है। इसी तरह ये करना है। हमारी नेक्स्ट बुक है जनरल नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर टीचर्स नेम। आपके उस्ताद का क्या नाम है। टीचर उस्ताद, नेम नाम। आपके टीचर का क्या नाम है, माय टीचर नेम इज। आगे जो भी इधर आपके टीचर का नेम है वो आपने यहाँ लिखना है। मेरे उस्ताद का नाम, इधर आपके आपने टीचर का नाम लिखना है। मेरे उस्ताद के का नाम डैश है। व्हाट इज़ योर टीचर्स नेम, माय टीचर नेम इज़ डैश। आपके उस्ताद का क्या नाम है, मेरे उस्ताद का नाम डैश है। जहाँ डैश है वहाँ आपने अपने टीचर का नेम लिखना है। व्हाट इज़ योर टीचर नेम, माय टीचर नेम इज़ आगे डैश। आपके उस्ताद का क्या नाम है, मेरे उस्ताद का नाम डैश है। आपने अपने टीचर का नाम डैश के अंदर लिखना है और फिर वो बोल लेंगे, माई टीचर नेम इज़ आगे टीचर का नेम, माई मेरे उस्ताद का नाम डैश है।